दरभंगा में एक बार फिर गोली चलने की घटना सामने आई है। यह गोली एक युवक पर चलाई गई जिसको घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। वहीं गोली की घटना से स्थानीय लोगों में काफी डर का माहौल है। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिले के पतोर थाना क्षेत्र के खैरा गांव में गोलीबारी की घटना सामने आई है। वहीं गोली चलने वाले गांव में लोगों में काफी डर का माहौल है। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस वहां पहुंच गई थी और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी थी। वहीं गोली लगने से जो युवक घायल हुआ है उसका इलाज डीएमसीएच अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में बीटीएन न्यूज ने जब मंगलवार को दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि गोलीबारी मामले में अभी कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन ग्रामीणों के बयान पर नशा करने को लेकर कुछ युवकों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। घायल का बयान दर्ज कर जल्द दो युवक को गिरफ्तार किया जाएगा जिन पर गोली चलाने का आरोप है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है और इनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। जी सर, दरभंगा जिला के पतोर थाना क्षेत्र में गोली चली है, रात गोलीबारी की घटना हुई है, क्या कुछ मामला है सर? पतोर ओपी अंतर्गत खैरा गांव में कल गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें स्थानीय थाना वहां पर पहुंच करके घटनास्थल का निरीक्षण किए थे। इस क्रम में दो खोखा वहां से बरामद हुआ। जो जख्मी है हीरा सदा, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, अभी वो खतरे से बाहर बताए जाते हैं। उनका जो स्टेटमेंट है वो लिया गया है। उनके द्वारा दो व्यक्तियों को इस घटना को कारित करने में नामजद किया जा रहा है और उन दोनों व्यक्तियों के गिरफ्तारी के लिए दरभंगा पुलिस प्रयासरत है। अभी दोनों व्यक्ति फरार चल रहे हैं, उनका तकनीकी डिटेल्स के आधार पे गिरफ्तारी हेतु प्रयास जो है वो किया जा रहा है। कुल कितने राउंड गोली चली सर? दो खोखा बरामद हुआ है वहां से। क्या घटना का क्या कारण माना जा रहा है? कारण तो अभी स्पष्ट नहीं, अनुसंधान का विषय है। जैसे गिरफ्तारी सुनिश्चित हम लोग करेंगे अभियुक्त का, उसके बाद पूछताछ में और स्पष्ट हो पाएगा। कुछ पता चल पाया है जो गोली जो लोग चलाए हैं किस तरह के ये लोग हैं? जो अभी तक के प्रारंभिक अनुसंधान में जो बात आ रही है, जो स्थानीय लोग वहां पर बता रहे हैं, एक इसमें प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी हैं, तो उनके द्वारा बताया गया है कि नशापान को लेकर के जो है संभव है कि यह घटना को कारित किया गया, लेकिन इसकी पुष्टि अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे। जो लोग दोषी इसमें होंगे क्या कुछ इस पे कार्रवाई होगी? इसमें गिरफ्तारी किया जा रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो आर्म्स इस घटना को कारित करने में यूज किया गया था उस आर्म्स की भी बरामदगी हो। सर क्या लग रहा है, इन दिनों बात बात पे गोलीबारी की घटना हो जाती है, क्या कारण है जो इस तरह की घटनाएं बराबर होती रहती है? देखिए, इसके लिए कारण तो हर घटना का मुख्यतः देखा जाए तो आपसी विवाद को लेकर के होता है और इस घटना को भी हम लोग शीघ्र ही उद्भेदन कर लेंगे, जैसा कि पूर्व की घटनाओं का भी किया गया है। उसके बाद आप लोगों को ब्रीफ कर दिया जाएगा इस घटना का क्या कारण था। सबका चार लड़का हम साथ में बैठे, सबका नाम बताइए। उसमें था एक लखन सदा, भीखन सदा, एक राजा सदा, एक हीरा सदा, जिसको गोली लगा। हम चार आदमी बैठे हैं, इधर से दो आदमी लठ लेके गया, दोनों के पापा का नाम विनोद है, दोनों को बेटा पहुंचा है लठ लेके हम लोग पर। हम लोग बैठे बतला रहे हैं आराम से और लठ लेके पहुंच गए। हम लोग अबाक हो गए, क्या गलती हम लोग कर दिए, हम लोग लठ लेके हम लोग आ गए हैं। उसको समझौता किया, भाई क्या हुआ पहले बोलोगा जभी तो समझेंगे कि ऐसे ऐसे बात हुआ है। कुछ बोला नहीं, सीधे काले धर लिया। अच्छा, बता रहा है कि मतलब क्या एक्चुअल झगड़ा क्या था वहाँ पे? झगड़ा हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला, हम लोग बैठे थे वहाँ। हाँ। क्या कैसे झगड़ा हुआ? हम नया साल में पार्टी मना रहे थे क्या? नहीं, हम लोग आराम से बैठे थे अपना देहरी पर। कल कुछ पिए हुए कि नहीं आप लोग? नहीं, बैठे थे सब चार जने, प्लान ही बनाने रहे थे पीने का। शराब आपने पी रहे थे? नहीं, बैठे थे आराम से, देसी चुल्लू सब उन्हीं खा रहे थे, बैठे थे बस। इतने ही देर में वहाँ से जब उसको पकड़े हैं, भाई को समझौता कर क्या हुआ है, क्या गलती हुआ है, तो उसके क्षमा मांगते हैं भाई। तब भी वो बर्दाश्त नहीं किया, कालर धर लिया है, घींचा है वहाँ से। कालर धरने वाला कौन था? कालर धरने वाला क्या नाम है? छोटू सिंह। हाँ, उसके बाद फिर? उसके बाद विनोद का बेटा था अरुण, अरुण पास जी मंडल। हाँ। अरुण मंडल, वही दोनों झगड़ा करके वहाँ से फिर भागा है। तब दोबारा बंदूक लेके गया, वहाँ चार आदमी हम खड़े हैं, उसको बीच में ऐसे ताना है। अब वो गोली हम पर लगता है, उस जगह नहीं चला। बंदूक आप देखे थे? हाँ, एकदम। हाँ, कौन सा बंदूक था? वही छोटा वाला रिवॉल्वर। क्या बोलते हैं रिवॉल्वर? हाँ, जिसको अंदर से ऐसा लगता है। आप चलाएं कि नहीं कभी? नहीं, हम नहीं कभी आंख नहीं देखे हैं। देखे भी नहीं? नहीं। अच्छा, तो आप ही लोगों को क्यों गोली मारने के लिए आया था? अब सब सब वही न जानेगा, उसी से न
सब भेद खुलेगा, क्यों मारा भाई, तुमको क्या जुलुम किया था इसके तुम गोली चलाने के। फिर क्या हुआ, तान दिया उसके बाद? उसके बाद वो वहाँ से भागा, वहाँ से भागने के बाद हम लोग अगने में रह गए, इधर यहाँ पर फायरिंग हो गया, गोली चला, छोड़ाने वाला दौरा दो उसके ऊपर भी चलाया गया, वो भी बच गया, लेकिन तीसरा गोली उसको इस जगह पर लग गया। लग गया, अच्छा, हम लोग उठा के ले गए हैं, तब इतना तेज सब भाग गया। अच्छा, अगर ये बताइए कितना राउंड कितना चला था, कितना गोली चला था, आवाज कितना हुआ? दरभंगा में एक डबरे को भर देने का मामला सामने आया है, संबंध में जानकारी मिली उसके अनुसार दरभंगा जिला के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत नीम पोखर के पास अवस्थित एक डबरा था जिसे भर दिया गया। हालांकि किस तरीके से इसको भर दिया गया और किन लोगों के द्वारा यह काम किया गया है यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। तमाम बातों पर हमने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से मंगलवार को बात की तो उन्होंने कहा कि अभी संज्ञान में यह मामला आया है और अंचल अधिकारी सदर दरभंगा से दूरभाष पे इसकी बारे में पूछा गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि इस मामले यह मामला अपर समारता न्यायालय में चल रहा था, जमाबंदी रद्द करने के संबंध में। वही संबंध में जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि मैं इस मामले में सीईओ सदर को सुझाव दिया है कि इसे संदर्भ में मेरे न्यायालय में शीघ्र अपील दर्ज करे और तत्काल स्थल पर कोई भी मामला लंबित रहता है तो उसे भरने या निर्माण करने की कोई भी गतिविधि नहीं की जाएगी। और क्या कुछ कहा है जिलाधिकारी राजीव रोशन ने, आइए आपको सुनाते हैं। दरभंगा के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में एक डबरा है जो सरकारी डबरा कहा जाता है, उसको राता राती भर दिया गया है, क्या सारा मामला है? अभी संज्ञान में ये मामला आया है, अंचल अधिकारी सदर दरभंगा से दूरभाष पे इसके बारे में पूछा गया है। उनके द्वारा बताया गया कि उस मामले में एक मामला अपर समाहर्ता के न्यायालय में चल रहा था, जमाबंदी रद्द करने के संबंध में, वहाँ से परिवादी के संबंध में जो आदमी हैं उनके पक्ष में निर्णय हुआ। मैंने उनको सुझाव दिया है सीओ सदर को कि इस संदर्भ में शीघ्र मेरे न्यायालय में अपील दाखिल करें और तत्काल स्थल पे कोई भी आदमी, जब तक वह मामला लंबित रहता है तो कोई भी उसको भरने या कोई भी उस पर निर्माण की कोई गतिविधि नहीं करेगा। सर, जिस तरह से जल जीवन हरियाली को लेकर इस तरह की बातें आती है कि डबरा पोखर को बचाना है, लेकिन यहाँ डबरा पोखर अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है, उसको भर दिया जाता है, जमीन को बेच दिया जाता है। नहीं, जो भी हमारे सार्वजनिक तालाब पोखर आहर पइन है वो जल जीवन हरियाली का हिस्सा है और जल जीवन हरियाली के प्रथम अभियान के तहत उसे अतिक्रमण मुक्त कराना है। उसमें अगर कोई अतिक्रमित कर रहे हैं तो उनको हटाना है वहाँ से। जहाँ तक निजी तालाब पोखर का है स्वामित्व और स्वत्व के संदर्भ में, इसमें भी कई कोर्ट्स के डिसीजन है कि अगर किसी का निजी तालाब पोखर भी है तो उसके स्वरूप में उनको परिवर्तन नहीं करना है। तो इसके लिए भी जो हमारे रेवेन्यू के अधिकारी हैं, जो राजस्व कर्मचारी हैं, उनको इस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो जल निकाय है उसका स्वरूप बदलने से हमारे पर्यावरण पे, इकोलॉजी पे और जल का जो बहाव का तरीका है उस पे नकारात्मक असर पड़ता है। सर, जिस तरह से ये हुआ है, डबरा को भर दिया गया है, क्या पता चला किस तरह के लोग हैं जो इस तरह का काम किए हैं? लोग के संदर्भ में तो नहीं बताया गया है, ये है कि जमाबंदी रद्दीकरण का बाद अपर समाहर्ता के न्यायालय में था, उसमें अब क्या दस्तावेज दिखलाया गया है, परंतु जमाबंदी रद्द करने के प्रस्ताव को खारिज किया गया और जमाबंदी कंटिन्यू रखने की बात हुई है। इस पर मैंने सीईओ सदर को डायरेक्शन दिया है कि अगर अपर समाहर्ता का कोई आदेश है तो वो उसके विरुद्ध अपील मेरे न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। दस्तावेजों को देखने के बाद, इसका नेचर समझने के बाद ही मैं इस संदर्भ में कुछ कर पाऊंगा। सर, ट्रक चालक बस चालक का हड़ताल चल रहा है, आज आप लोग के यहाँ पे समर्थनालय के समक्ष प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन भी दिए हैं, किस तरह से इन लोगों का मांग को किस तरह देख रहे हैं? ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जानकारी प्राप्त हुई है, परंतु मैंने सब लोगों से अनुरोध किया है कि जो आवश्यक यातायात है, जो एयरपोर्ट जाने वाले लोग हैं, जिनको ट्रेन से दूर जाना है, इलाज के लिए निकलना है, ऐसे लोगों के लिए यातायात प्रभावित नहीं हो। मैंने एसपी साहब से भी बात किया है और थाना को भी हम लोग निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक हमारे यहाँ सामान्य रहे। उनकी मांग है, उनको मांग रखने का अपना तरीका है, लोकतांत्रिक तरीके से वो मांग रखेंगे तो उनकी मांग को हम लोग सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं और सरकार के खिलाफ लगातार वाहन चालकों का दूसरे दिन मंगलवार को भी हड़ताल जारी रहा। दरभंगा समाहरणालय समक्ष वाहन चालकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है।
कहा कि नया कानून वापस ले नहीं तो हम लोगों का आंदोलन और हड़ताल लगातार अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामले में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट AIMTC ने हिट एंड रन कानून का सख्त काफी विरोध कर रहे हैं। मालूम रहे कि ट्रक चालकों के समर्थन में कई तरह के वाहन चालक साथ आ गए हैं। ट्रक चालक से लेकर बस चालक, टेम्पो चालक, एम्बुलेंस चालक, स्कॉर्पियो चालक, सभी तरह के ड्राइवर सरकार के इस हिट एंड रन मामले के नए कानून का विरोध कर रहे हैं। कहा इस कानून को सरकार वापस ले नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। दरभंगा समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया और सड़क पर उतर कर ड्राइवर ने प्रदर्शन के क्रम में क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखा रहे हैं। किस चीज के गाड़ी चलाते हैं? चक्का हम 4 चक्का चलाते हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि ड्राइवर है तो कोई भी ऐसा बेना हो या कोई ऐसा बात हो, ठीक है, तो कोई भी चीज ला करके, सेब हो, अनार हो, ठीक है, तो कश्मीर कानून वापस हो, अमित शाह जो अपना कला कानून वापस ले, आज कहाँ से खाता है वो? आज सेब संतरा अमित शाह कहाँ से खाता है? ड्राइवर ला कर देता है तब ना खाता है, कहाँ से खाता है? आज हम 1 जनवरी के दिन हम गए थे कि कोई टेम्पो मिलेगा तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद नूर है। 10 टका भी है। अच्छा, आप बस चालक हैं, आप क्या कीजिए? अच्छा, मेरा नाम श्री राम पांडे हुआ। ये जो सरकार ने कानून लगाई है इसके विरोध में हम लोग हड़ताल पे हैं। कानून है जो 10 साल का सजा और 5 से 7 लाख रुपए जुर्माना, यदि हम लोग एक्सीडेंट के बाद रुकते हैं तो पब्लिक हमें जीने नहीं देगी, पब्लिक हमें मार मार के वहीं पे खत्म कर देगी। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? इस कानून को हटाइए, अन्यथा हम लोगों को ऐसी कोई मुआवजा दी जाए जो हमारे मरने के बाद भी मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके। किसके ड्राइवर आप? ये हम एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। अच्छा, कहाँ ये एम्बुलेंस चलाते हैं? ये हम DMCH के नजदीक से चलाते हैं और इसलिए हम जा रहे हैं हड़ताल पे कि ये नियम जो है सब ड्राइवर पे लागू है। अच्छा, बात समझ रहे हैं। चाहते हैं ये काला कानून अमित शाह वापस कर ले, और अमित शाह के ड्राइवर को ही बोलते हैं कि वो भी एक ड्राइवर है, वो भी कम से कम ड्राइवर के नाते हम लोगों के समर्थन में आवे। कब से हड़ताल पे आप लोग? ये हम लोग जो है 1 जनवरी से हम लोग हड़ताल पे हैं। ये कब तक चलेगा हड़ताल? ये हम लोगों का हड़ताल लगभग अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक के ये काला कानून वापस नहीं ले लेता सरकार। दरभंगा में कुल कितने तरह के ड्राइवर है, कितने ड्राइवर इसमें शामिल? यहाँ पे हम लोग जो है ट्रक ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, जितने भी लाइसेंस धारक है वो ड्राइवर में गिनती आता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सदर आलम खान हुआ। हम लोग ये चाह रहे हैं जो ये काला कानून जो है वो वापस लिया जाए। जो ड्राइवर को यहाँ तो पब्लिक मार दिया जाता है, अब क्या किया है जो सरकार मारने की कोशिश कर रहा है? अगर वहाँ से भाग जाता है ड्राइवर तो सरकार पकड़ के उसको 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना कर दिया जाता है। अगर वहाँ पर रुका जाए तो पब्लिक मार दिया जाता है, इसीलिए इसको काला कानून वापस ले लिया जाए, यही हम लोगों का मांग है। और ये हड़ताल अनिश्चित काल तक है, जब तक ये काला कानून वापस ले लिया जाए तब तक हम लोग हड़ताल पर है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ अनिल कुमार यादव। आप क्या है? सचिव है। अच्छा, बस चला रहे थे मणिपाल इंटरनेशनल। अच्छा, वो छोड़ के अभी यहाँ आए हैं आंदोलन में। अच्छा, हमारे जो कानून काला कानून लगाए गए हैं वो वापस लिया जाए। यहाँ पे किनके पास आए हैं? संगठन में आए हैं। अच्छा, क्या बात आए हुए बात? हाँ जी जी, लोग यहाँ पे समरणालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, किस ओर से किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? देखिए, आज पूरे भारत में जो ड्राइवर संघ है, जो विभिन्न ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हैं, बस के ड्राइवर हैं, निजी मालिकों के बस के ड्राइवर हैं, ट्रक के ड्राइवर हैं, ये सारे ड्राइवरों का सारे ड्राइवर आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल में है। चूंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मोदी सरकार विपक्ष के 150 सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया, सांसद से अलग कर दिया, और फिर उन्होंने कई तरह का काला कानून पास किया है। उसमें ड्राइवरों के खिलाफ जो पूर्व से कानून था उस कानून में बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया है। जो 2 साल का सजा था उस सजा को 10 साल कर दिया गया है और 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया है। जबकि हम आप सभी जानते हैं, सारे ड्राइवर भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी को जानकर एक्सीडेंट नहीं करता। एक्सीडेंट धोखा है,
एक्सीडेंट मशीनरी है, मशीनरी में जो गड़बड़ी है उसके चलते एक्सीडेंट होता है, और उसमें जो छूट था उस छूट को समाप्त किया गया है कि अगर आप एक्सीडेंट करते हो तो पहले तो मरने वाले को भी मुआवजा था, तो मरने वाले का भी मुआवजा खत्म कर दिया गया है, और उल्टे उल्टे ड्राइवर पर 10 लाख का जुर्माना आप और 10 साल का सजा आप है। क्या मांग कर रहे हैं इस माध्यम से? हम लोग ये मांग कर रहे हैं आज के प्रदर्शन के मांग से माध्यम से कि मोदी जी आपने जो काला कानून लाया है इस काला कानून को वापस करिए, अगर आप वापस नहीं करते हैं तो पूरे देश के ड्राइवर भारत की अर्थव्यवस्था को जाम कर दे। उमेश प्रसाद का एक्ट टू दरभंगा। दरभंगा में पिछले कई दिनों से लगातार शीतलहर जारी थी और आसमान में बादलों का बसेरा लगा हुआ था, लेकिन मंगलवार को कई दिनों बाद बादलों को चीरता हुआ सूरज लोगों को दिखाई दिया। आधे दिन के बाद अच्छे समय तक धूप खिली रही। कई दिनों के बाद धूप निकलने के बाद लोग काफी खुश थे और धूप का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से शीतलहर का माहौल था, लेकिन नए साल के अवसर पर पहले दिन ही धूप निकली है और इस धूप ने लोगों को ठंड से थोड़ी राहत तो जरूर दी है। शुभकामनाएं के साथ धूप का आनंद ले रहा हूं। भाग्य अच्छी है कि शुरुआत में ही धूप अच्छे हुए हैं। ये लमसम 4 दिन की बात, ठंड तो बहुत थी, अब राहत बहुत मिल रहा है, आनंद आ रहा है। इस तरह से धूप निकलता रहे और हर गरीब की, ताकि गरीब की ताकत है धूप में। खुशी है कि आज धूप निकला है हम लोग के और बैठे हुए धूप में। क्या कम से कम 5 दिन हो गया लॉन्ग टर्म? शुक्रवार को जो धूप देखे हैं उसके बाद आज जो है मंगलवार है, तो आज हम लोग दीनानाथ का दर्शन कर रहे हैं। हाँ, रात महसूस हो रहा है। दरभंगा +2 MKP विद्यापति स्कूल में इंग्लिश टीचर मोहम्मद मुख्तार की विदाई समारोह का आयोजन स्कूल में किया गया। वहीं इस मौके पर प्राचार्य मोहम्मद मकसूद आलम ने सम्मानित कर उन्हें विदाई दी। वहीं आयोजित इस विदाई समारोह के मौके पर मकसूद आलम ने कहा कि इनका कार्यकाल विद्यालय के लिए सुखद और बहुत अच्छा रहा। इनकी कमी विद्यालय को खलेगी क्योंकि यह काफी मिलनसार है। वहीं सुनील कुमार गुप्ता ने कहा कि बच्चों के साथ यह काफी मिलनसार रहे हैं। मौके पर शिक्षक मधुमाला कुमारी, मनीषा भारती, प्रमोद कुमार यादव, पुनीत कुमार यादव आदि उपस्थित रहे। 31 साल पूरा अपना सेवा दी है शिक्षा जगत में, और ये पहले भागलपुर में थे, फिर मधुबनी गए और वहाँ से यहाँ आए। ये इंग्लिश के शिक्षक थे और इन्होंने तन मन धन से विद्यालय को पूरा समर्पित कर दिया। जय हाई स्कूल बटसार भागलपुर में हुई थी, 12/8/1992 को हुई थी। वहाँ लगभग 3 साल हम वहाँ रहे, फिर उसके बाद हमारा ट्रांसफर अमरनाथ हाई स्कूल शंकरपुर मधुबनी, वहाँ 11 साल 1 महीना वहाँ रहे। उसके बाद वर्ष 2006 में हमारी ट्रांसफर यहाँ +2 MKV विद्यापति हाई स्कूल में हुई, जो अब तक यहाँ लगभग 17 साल 4 महीना जो यहाँ रहे। आप काज कर रहे हैं, क्या इसके बाद क्या करना योजना है? इसके बाद अपने बच्चों सबके और फैमिली के साथ जिंदगी गुजारेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? मोहम्मद मुख्तार आलम। आप काज प्राप्त कर रहे हैं, मुख्तार जी क्या कहेंगे? हमारे मुख्तार साहब जो अंग्रेजी के विद्वान शिक्षक थे, 31 दिसंबर 2023 रिटायर हुए हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है कि इतने विद्वान शिक्षक को, इतने लोकप्रिय शिक्षक को स्कूल से हम लोग विदा कर रहे हैं। हम लोग सुखद बात यह है कि बहुत अच्छी तरह से ये विदा ले रहे हैं और भविष्य में आशा करते हैं कि स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और बराबर स्कूल में आके हम लोग को आशीर्वाद देते रहें।